दोस्तों फाइनली काफ़ी टाइम चर्चों में चल रही फातिमा सना सेख की अपकमिंग मूवी धक धक जो कि फाइनली अब रिलीज होने जा रही है। मैं दोस्तों मेकर्स ने इस मूवी से रिगार्डिंग एक पोस्टर आउट किया है। मैं दोस्तों कुछ अपडेट्स निकल कर नए इस मूवी से रिगार्डिंग जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष चंद्र बात करने वाला हूँ फातिमा सना सेख की अपकमिंग मूवी धक धक के बारे में। नजर डालूंगा उसकी तक की सारी अपडेट्स पर डिस्कस करने वाला हूँ उसकी स्टोरी का और रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। मैं दोस्तों फातिमा सना सेख के बिग फैन है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेकर्स ने इस मूवी से रिगार्डिंग एक पोस्टर आउट किया जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब उस पोस्टर को देखकर काफ़ी कुछ पता चल जाता है इस मूवी के बारे में। जहाँ दोस्तों इस मूवी को तरुण डुडेजा डायरेक्ट करते नजर आने वाले और आउटसाइडर फिल्म्स इस मूवी को प्रोड्यूस करते नजर आने वाले जो कि तापसी पन्नू का एक प्रोडक्शन हाउस है। तो दोस्तों एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और एक प्ले करते इस मूवी के सारे डाउट्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों एक तरीके से ये मूवी एक मल्टी स्टार मूवी होने वाली है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पर हमें संजना सांघी, फातिमा सना सेख, दिया मिर्जा और रत्ना पाठक शाह एक लीड रोल में नजर आने वाली हैं। मैं दोस्तों फातिमा सना सेख और संजना सांघी में से किसके बिग फैन हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का स्टोरी का कंसेप्ट काफ़ी यूनिक है। जहाँ पर स्टोरी चार वुमेंस के अराउंड होने वाली जो कि अपने अकॉर्डिंग दुनिया को घूमना चाहती है, किस तरीके से इनकी जर्नी होती है और क्या क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करने को मिलती है। एक तरीके से फैमिली पैक्ड और ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छी मूवी होने वाली जो कि जल्द ही सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए जो कि फुल ऑफ इमोशन ड्रामा के अराउंड मूवी होने वाली है। और मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट फाइनली फाइनलाइज कर दी। दोस्तों ये मूवी आपको 8 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो एक बार फिर से तैयार हो जाओ फातिमा सना सेख की अपकमिंग और मच अवेटेड मूवी के लिए जो कि जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि छोटी सी अपडेट इस मूवी से रिगार्डिंग, दोस्तों इन फ्यूचर कोई भी नई अपडेट आएगी इस मूवी से रिगार्डिंग तो दोस्तों को इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और मैं दोस्तों आप भी कोई मूवी की अपडेट लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।